वेलकम टू एक्सॉल्टेड वन। आज हम सीखने जा रहे हैं टैली ईआरपी 9, जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और किसी भी प्रकार की जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज हमारी पहली क्लास है और हम सीखने जा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। टैली में ओपनिंग स्टॉक कैसे बनाया जाता है, पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप, वो भी एक आसान तरीके के साथ। सबसे पहले हमें खोलनी होगी टैली सॉफ्टवेयर और शुरू करना होगा। अगर पहले टैली सॉफ्टवेयर खोला जाता है, फिर अगर पहले से कोई कंपनी खुली है तो ऑल्ट F1 करके उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी जिसमें एक फैज नाम लिखा हुआ है, इसको हम ऑल्ट F1 करके इसको बंद करेंगे। और अब अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी कंपनी पहले से नहीं बनी है तो आप एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, जो हाईलाइट की जा रही है क्रिएट कंपनी। अगर कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपको अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फिल करनी होगी। अपना ओपनिंग स्टॉक चढ़ाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली यानी कि गॉट, जो हमारी टैली का फ्रंट पेज कहलाता है, उस पर जाना होगा और इन्वेंट्री इन्फो पर जाना होगा। यहाँ पर हमें भरना है स्टॉक ग्रुप, जो हमें आइटम की कैटेगरी बताता है, यूनिट ऑफ मेजर, जो हमें आइटम की नापतौल बताता है, और स्टॉक आइटम, जो प्रोडक्ट की जानकारी बताता है। और या तो स्टॉक आइटम के अंदर से सीधे ऑल्ट सी से भी बना सकते हैं, जो ज़्यादा आसान होता है, और हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सीधे ऑल्ट सी से ही सीखेंगे। अब हम लोग अंदर जाने के बाद सिंगल स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे की ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, जो आइटम बनने के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें डिस्प्ले का मतलब होता है आइटम को देखना और ऑल्टर का मतलब होता है किसी भी आइटम में चेंजमेंट करना या परिवर्तन करना। सबसे पहले आ रहा है नेम। नेम का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे अंडर और यूनिट्स आ रही है। अंडर पे ऑल सी करेंगे और यूनिट पे भी हम लोग ऑल सी करेंगे। तो पहले अंडर की बात करते हैं। अंडर पे ऑल सी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो चाहें जहाँ पर चाहें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक काले बॉक्स में प्राइमरी लिख के आ रहा है, उस पर अगर हम लोग ऑल्ट सी करते हैं तो अंडर की इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। देन उसके बाद यूनिट पर ऑल्ट सी करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से उस फिल कर सकते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद जब हम लोगों ने अंडर पे ऑल्ट सी किया है तो उसके आप ऊपर नेम आ रहा है। तो नेम का मतलब है जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं या जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल करने जा रहे हैं वो किस कंपनी का है। उसके बाद बाहर आते हैं, फिर ऑल सी करेंगे। जब हम लोग यूनिट फिल करेंगे, यूनिट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं उसकी नापतौल किस प्रकार से की जाती है, जैसे कि वो पीस में लिया जा रहा है, किलोग्राम में लिया जा रहा है, लीटर में लिया जा रहा है इत्यादि। डेस्कटॉप पर अब कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अंडर में HP या कोई भी कंपनी, यूनिट में पीसेस या जैसे भी खरीदा है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी यानी कि कितने पीस खरीदे हैं, रेट कितने रुपए के खरीदे हैं, वैल्यू वो खुद ब खुद निकाल के दे देगा। ओपनिंग बैलेंस में अपना ओपनिंग स्टॉक भरने के आपको अपनी कितनी मात्रा में प्रोडक्ट खरीदा है और कितना खरीदा है। और अपने ओपनिंग स्टॉक को देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेन्यू, ट्रायल बैलेंस, ग्रुप समरी, स्टॉक आइटम पर जाना होगा, ओपनिंग स्टॉक समरी पर जाना होगा, और जिस पर हम लोग ऑल्ट पी करके अपना पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई थी वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली क्लास के लिए हमारा इंतज़ार करें। थैंक यू।